तो भारतीय रेल को अत्याधुनिक और वर्ल्ड लेवल का बनाने का सपना देख रही देश की नई सरकार की राहें इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेल हजारों करोड़ों के घाटे में है और ऊपर से हजारों करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इन वायदों को असल पटरी पर उतारना नई सरकार के लिए चुनौती होगा। इसीलिए बड़ी चिंता सरकार के लिए ये है कि घाटे में चल रही भारतीय रेल में पैसा लगाएगा कौन। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा रेल बजट में कुछ नई बातें नहीं कह पाए हैं, ज्यादातर बातें लोक लुभावनी हैं, लेकिन इन्हें असल पटरी पर उतारना काफी चुनौती भरा काम है। उनका अंदाजा यही है कि मानो दुनिया हमारी रेलवे पर पैसा लगाने के लिए तैयार बैठी है, पर वो समझा नहीं पा रहे हैं कि घाटे के सौदे में कौन हमसे व्यापार करने आएगा। कुछ आ भी गए तो इसकी गाड़ी कितनी आगे सरकेगी। नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद रेल ढांचे में बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे। खासकर जिस तरह की आशा दिलाई गई थी उसमें यही लग रहा था कि रेलवे के सुधार के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, लेकिन सब सामान्य ही लगा। जिस तरह का बजट आया है उससे यही प्रतीत होता है कि सरकार हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन आदि को लेकर बहुत संजीदा है। लगभग 100 करोड़ की योजना पर काम होगा। इसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में देखा जा सकता है। सत्ताईस नई ट्रेनें भी शुरू करने की बात की गई है, मगर नई सरकार से तो ये उम्मीद थी कि सरकार नई ट्रेनों के बजाय जो ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं, पहले उनके रख रखाव और सुरक्षा आदि पर ध्यान देगी। रेलवे के संचालन के लिए है ठोस काम की जरूरत। ये ज्यादा अच्छा होता कि रेलवे का जो ढांचा हमारे पास है उसमें अपेक्षित सुधार किया जाता। ट्रेन यात्रा असुरक्षित है और ट्रेनों की गति भी बहुत कम है। निर्धारित समय में ट्रेनें स्टेशनों पर नहीं पहुंच पाती हैं। दरअसल रेलवे के संचालन के लिए ठोस काम किए जाने की जरूरत है। इस मायने में अगर सरकार कुछ नई ट्रेनें चलाने में असमर्थता जताती तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था। कहीं आलोचना होती भी तो उसका महत्व नहीं रहता। आखिर सवाल रेल व्यवस्था को बेहतर बनाने का है। मालगाड़ी से आय बढ़ाने की योजनाओं को लेकर पर्याप्त फोकस नहीं किया गया। बजट के जरिए रेलवे यूनिवर्सिटी कॉरिडोर, फूड कोर्ट, ऑटोमेटिक दरवाजे और रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने आदि की वही बातें दोहराई गई हैं जिन्हें पिछली सरकार भी कहती रही है। दुनिया में हर जगह घाटे में चल रही हैं बुलेट ट्रेनें। सरकार कह रही है कि रेलवे को सुधारने और उन्नत बनाने के लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पैसा जुटाया जाएगा, मगर सवाल यही है कि रेलवे में पैसा कौन लगाएगा। एक बात साफ है कि दुनिया में जहां भी बुलेट ट्रेन चल रही है वो घाटे में चल रही है, फिर भारत में ये फायदे का सौदा कैसे हो सकता है। भारत में 70,000 करोड़ की इस योजना में हम कितना ब्याज दे रहे होंगे ये समझा जा सकता है। आखिर चीन ने 500 अरब डॉलर खर्च करके अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को चलाया था, लेकिन वे घाटे में ही चल रही है। सफाई के लिए आउटसोर्स हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो या फिर बुलेट ट्रेन, जहां भी हम पैसा जुटाना चाहेंगे पैसा उपलब्ध करवाने वाला अपना आर्थिक हित जरूर देखेगा। इसलिए एक साथ बहुत बड़े स्तर पर पैसा उपलब्ध होगा ये संभव नहीं लगता है। अगर ऐसा होगा भी तो हमारे सामने बहुत चुनौतियां होंगी। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि वे रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे, मगर 1,000 करोड़ रुपए भी नहीं आया। बगैर मुनाफा दिखाए हम पैसा नहीं जुटा सकते।
अच्छी बात है कि सरकार रेलवे में साफ सफाई को लेकर बहुत संजीदगी दिखा रही है। रेल को संचार साधनों से विकसित करने की दिशा में भी आश्वासन दिया जा रहा है, ये बदलाव का सूचक है। देखना होगा किस तरह काम होता है और कितना पैसा विदेशी निवेशक घरेलू निवेशक भारतीय रेल में लगाते हैं।